बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा टूटता नहीं लेकिन मकरूह हो जाता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूटता भी नहीं और मकरूह भी नहीं होता। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है? कान और नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। कसदन मुंह भर खे करने से रोज़ा टूट जाता है। कुली करते हुए हल्क में पानी चले जाने से रोज़ा टूट जाता है। कोई ऐसी चीज़ निकल जाना जो आदतन काई नहीं जाती, जैसे लकड़ी, लोहा, कच्चा गेहूं का दाना वगैरह, लोबान या ऊद वगैरह का धुआं, कसदन नाक या हल्क में पहुंच जाना, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीना इसी हुक्म में है। भूलकर का पी लिया और ख्याल किया कि इससे रोज़ा टूट गया होगा और फिर कसदन का पी लिया। रात समझकर सुबह सादिक के वक्त सहरी काली। किन चीज़ों से रोज़ा टूटता नहीं मगर मकरूह हो जाता है? बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना और नमक वगैरह चख कर थूक देना, टूथपेस्ट, मंजन या कोयला से दांत साफ करना भी रोज़े में मकरूह है। फसद करना, किसी मरीज़ के लिए अपना खून देना जो आजकल डॉक्टरों में राइज है, ये भी इसमें दाखिल है। गीबत यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ये हर हाल में हराम है, रोज़े में इसका गुना और भी बढ़ जाता है। रोज़े में लड़ना, झगड़ना, गाली देना, ख्वाह इंसान को या किसी बेजान चीज़ या जानदार को, इनसे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता? मिसवाक करने से रोज़ा टूटता भी नहीं और मकरूह भी नहीं हो जाता। खुशबू लगाने या सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता। गर्मी या प्यास की वजह से गुस्ल करने से भी रोज़ा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता। किसी किस्म का इंजेक्शन या टीका लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता। भूलकर खाने पीने से भी रोज़ा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता। दांतों में खून निकले मगर हल्क में ना जाए तो रोज़े में खलल नहीं आता।